Hello students, once again welcome back to the channel. So we are here today with the syllabus for class 11 computer science for the session 2024-25. CBSE has released the syllabus for class 9 to 12 students and आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस. तो जिन बच्चों ने क्लास 11 में कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट किया है उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है. तो आइए समझते हैं व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स एंड व्हाट इज द वेटेज ऑफ द मार्क्स. सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप cbseacademic.nic.in इस वेबसाइट पर जाएंगे. यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लाइन में थर्ड लिंक मिल रहा है दैट इज़ द करिकुलम टैब. एक्चुअली इसमें आपको क्लिक करना है ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड हियर यू विल सी द ऑप्शन करिकुलम 2024-25. आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यू विल सी टू ऑप्शन, सेकेंडरी करिकुलम फॉर 9th एंड 10th एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम फॉर 11th एंड 12th क्लास. आप सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड जो कंप्यूटर साइंस है ये आपका किस में आएगा, एकेडमिक इलेक्टिव्स में. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड फ्रॉम हियर यू हैव टू क्लिक ऑन द कंप्यूटर साइंस ऑप्शन. जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे यू विल सी द सिलेबस फॉर द सेशन 2024-25 फॉर क्लास 11 एंड आपके सब्जेक्ट का कोड रहेगा 083. इन क्लास 11 एज वेल एज 12 कंप्यूटर साइंस का हमारा कोड है स्टूडेंट 083. ठीक है, अब इसके बाद हम आपके जो सिलेबस है इसको हम समझते हैं. ये हमने फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है. इसी फाइल में ऊपर आपका 11th का सिलेबस होता है और नीचे आपका क्लास 12th का सिलेबस होता है. ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की, तो क्लास 11th में आप ये चीज़ें जो है पढ़ने वाले हैं. दीज ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स. अब इन्हें समझते हैं हाउ इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स. अगर हम मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 यूनिट्स रहेंगी. फर्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कैरी करेगी आपका 10 मार्क्स. अब कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन इस यूनिट में आपके बेसिक्स होते हैं कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैश मेमोरी जो आपने पहले भी 6 to 8 क्लासेस में या 1st to 5th क्लासेस में पढ़ा हुआ है. देन आपका आता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 विच विल कवर योर 45 मैक्सिमम मार्क्स. ये आपकी यूनिट कवर करेगी. इस यूनिट में सबसे ज़्यादा आपको पाइथन के बारे में बताया गया, यानी कि जब आप पाइथन सीखना स्टार्ट करेंगे तो वो सारे चैप्टर्स आपके इस यूनिट में कवर होंगे. ठीक है, और जो थर्ड यूनिट है आपकी दैट इज सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स दैट विल कवर योर 15 मार्क्स. इसके अंदर आपके ये रहेगी अवेयरनेस रहेगी अबाउट द इंटरनेट. जो भी हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं किस तरह से हमें करना चाहिए, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि आप इंटरनेट से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल चीज़ हैं वो आप सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे. तो 10, 45 एंड 15 70 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर रहता है और 30 मार्क्स आपके रहते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के. ठीक है, तो आपका जो पेपर होता है पूरा जो 100 मार्क्स होता है वो 70 और 30 में डिवाइड होते हैं. 70 इज योर थ्योरी पेपर एंड 30 इज योर प्रैक्टिकल एग्जाम. ठीक है, सेम आपका 12th क्लास में रहता है. अब यूनिट वाइज सिलेबस देखें तो सबसे पहले यूनिट हमने पढ़ी थी कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें आप बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आप पढ़ेंगे. अब ये जो यूनिट है वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, उसके बाद आगे के चैप्टर में आप बुलियन लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू. ठीक है, 11th में अगर आपने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट किया है तो ये चीज़ें आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम आपने 6th, 7th, 8th क्लास में अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके लिए न्यू चैप्टर रह सकता है. ठीक है, फिर इसी यूनिट में आपके पास आती हैं एस्काई, स्काई और यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम्स जो आप आगे पढ़ते जाएंगे. यूनिट 2 की बात करें दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1. पार्ट 2 इसका क्लास 12th में. इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले पाइथन को पढ़ने से पहले आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ेंगे, एल्गोरिदम क्या होता है, टेस्टिंग, डीबगिंग, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए एक मेजर चीज़ें होती है वो पहले आप थ्योरेटिकली समझेंगे. ये समझने के बाद आप बेसिक्स पे आएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की. छोटा सा एक प्रोग्राम करेंगे हेलो वर्ल्ड का, टीचर आपको बताएंगे. साथ में आप इनके जितने भी टोकन्स होते हैं वो आप पढ़ेंगे. डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, एरर्स, ये सब आप इस यूनिट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, स्ट्रिंग लिस्ट, टपल डिक्शनरी, ये सारे जो आपके चैप्टर्स रहेंगे या इस यूनिट के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो यूनिट है इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ये सारे आपके 12th में भी यूज़ होंगे. तो ये यूनिट आप बहुत अच्छे से करो, दैट इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज क्लास 12th के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उसमें ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है जो आपकी सेकेंड यूनिट का आपको यहाँ पे शो किया हुआ है. ठीक है, उसके बाद आता है आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, दिस इज यूनिट नंबर 3. इसमें आप डिजिटल फुटप्रिंट्स, डेटा प्रोटेक्शन, इंटरनेट पे आपको किस तरह से सर्चिंग करनी चाहिए, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, हाउ यू कैन रिमेन सेफ ऑन द इंटरनेट, मालवेयर, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे. ठीक
ठीक है। तो बेसिकली आपकी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब हम आते हैं 30 मार्क्स, 70 मार्क्स तो आपके थ्योरी के हो गए जिसमें 3 यूनिट्स कवर हो रही हैं, और जो आपके 30 मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। इसके लिए आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। 12th क्लास में तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, बट 11th क्लास में आपके जो टीचर होते हैं सब्जेक्ट के, वही आपका प्रैक्टिकल लेते हैं। तो इसमें आपको एक पाइथन का कोड लिखने के लिए दिया जाता है प्रोग्राम, विच विल बी टोल्ड बाय योर टीचर, एंड ये आपका 12 मार्क्स का टेस्ट रहता है। ठीक है, इसमें 60% लॉजिक चेक किया जाएगा, 20% आपने उसको किस तरह से प्रेजेंट किया है, और 20% आपके कोड की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो ये मिला के आपका 12 मार्क्स इस तरह से आपका टेस्ट का होगा। इसके बाद आपकी इसमें दो फाइल्स बनती हैं, वन इज़ द प्रैक्टिकल फाइल, वन इज़ द प्रोजेक्ट फाइल। सेम आपका क्लास 12 में भी रहता है। मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स इसमें होने चाहिए, विच विल कवर योर 7 मार्क्स, और आपने जो भी सिलेबस पढ़ा होता है उसके बेसिस पे आपका 3 मार्क्स का क्या रहता है स्टूडेंट्स, वाइवा रहता है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो होता है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पर टीचर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स असाइन कर सकते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 2 to 3 स्टूडेंट्स, और वो रहती है आपकी फाइल 8 मार्क्स की। ठीक है, अब इसमें जो 20 पाइथन के प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं उसके लिए CBSE ने आपको एक सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट दी है। जो जो आप टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, जैसे कि इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट, इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर स्मॉलर नंबर, तो ऐसे जो जो आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे उनके बेसिस पे इस तरह से देर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। तो आप ये प्रोग्राम्स ले सकते हो, मिनिमम 20 हैं, आप 25 to 30 कितने भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं एज इट इज सजेस्टेड टू यू बाय योर टीचर। ठीक है, उसके अलावा जो आपका यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे आप, जैसे कि आपके इफ एलिफ स्टेटमेंट्स हैं उनके बेसिस पे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा। प्रोजेक्ट दैट इज वेरी मच ऑप्शनल इन मेनी ऑफ द स्कूल्स, बिकॉज 12th में भी हमें वो बनाना होता है। तो इफ इट इज सजेस्टेड बाय योर टीचर, टीचर विल हेल्प यू इन दैट वन। यू कैन टेक द रेफर फ्रॉम द लास्ट ईयर प्रोजेक्ट फाइल्स एंड द प्रैक्टिकल फाइल्स ऑल्सो, वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हो। तो दिस विल बी गिवन टू यू बाय योर टीचर, या टीचर आपको जैसे कहें, अगर बनाने को कहते हैं तो वेल एंड गुड, दे विल गिव यू द टॉपिक्स। आप थोड़ी सी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, यू कैन हैव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा मिल के कर सकते हैं, एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम योर टीचर विल बी देयर टू हेल्प, एंड यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद ही आपकी सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट हो गई। प्रोजेक्ट आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, जो भी आपने कंसेप्ट पूरे 11th क्लास में पढ़ा है। और पढ़ने के लिए आपके पास NCERT की बुक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अलॉन्ग विद ये जो PDF है आपकी सिलेबस की, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहें उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द अपडेटेड मटीरियल। NCERT बुक क्लास 11 की आप अगर रेफर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सुमिता अरोड़ा बुक रहती है, आप कोई और बुक भी ले सकते हैं, लाइक प्रीति अरोड़ा है या कोई भी बुक है, ऑल बुक्स आर गुड। बस ये है कि कंसेप्ट्स को आप स्टार्टिंग से, बेसिक से स्टार्ट करके और पढ़ते जाएं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास CBSE की साइट पे सपोर्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया सिलेबस, एंड आपकी क्लासेस आई थिंक स्टार्ट हो चुकी होंगी, जिसमें जनरली कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से स्टार्ट कराते हैं, ताकि स्टार्टिंग में आते ही बच्चों को एकदम से ये ना लगे कि कंप्यूटर साइंस जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू योर इनपुट आउटपुट, आप उसे पढ़िए, धीरे 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 यू कैन मूव ऑन टू द अदर चैप्टर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपको किसी भी चैप्टर का रेफरेंस चेक करना हो और आपको अगर देखनी हो इसकी वीडियोज, तो सिंपली यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैनल। ठीक है, आप जैसे ही चैनल का नेम लिखेंगे आपके सामने इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पे आप होम पे जाएंगे, कलर होम पे एंड जाने के पोजीशन बाद, ऑफ द कैरेक्टर ई इन द कलर ऑफ जाने के द बाद नीचे कास्ट, देखिए यहाँ पे प्ले डिस्प्ले मतलब लिखेंगे, स्टेटमेंट, क्लास सेलेक्ट स्टेटमेंट, ट्वेल्थ और हमें क्या क्या चाहिए, कार क्लास नेम चाहिए, कलर चाहिए, पोजीशन चाहिए, पाइथन कार नेम वाला कौन सा कॉलम है, कार चैप्टर नेम, वाइज आपकी कलर मल्टीपल वाला प्लेलिस्ट कलर चाहिए, जैसे और कि कंप्यूटर पोजीशन सिस्टम किसकी एंड चाहिए, ई ऑर्गेनाइजेशन है, फिर कैरेक्टर आपके की इन द पाइथन कलर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं, कलर नेम, ऐसे ई की करके आपके पोजीशन सारे क्या कहते चैप्टर्स हैं। इसमें कवर्ड हैं। अब आप देखिए कहीं से ई की कोई भी पोजीशन चैप्टर फाइंड आउट चेकआउट करने के करना लिए चाहें हमारे तो पास आप एक कर फंक्शन सकते हैं, होता है, और अगर आपका स्केलर फंक्शन प्रोग्रामिंग है से हमारे रिलेटेड पास, कोई भी दैट डाउट इज आता है तो इन वो भी आप स्ट्रिंग बता सकते हैं इन अपने एस टी अकॉर्डिंग आर, डाउट। उसको करके लिखते ठीक हैं। है स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या दिस क्या वाज चाहिए, ऑल कार अबाउट द नेम और सिलेबस कलर, तो स्टूडेंट्स, आई सारी होप जो कि आपको क्वेरीज लिखी हुई कवर है अप उसमें पूरा कार नेम और समझ कलर में सब में आ ही गया है। ठीक है। है, तो आना मिलते पड़ेगा हैं आपसे कलर नेक्स्ट कॉलम वीडियो पे। में, टिल देन हैव अ किसकी गुड डे, पोजीशन थैंक फाइंड यू आउट सो करनी मच। है, ई की।